तो जैसा कि आप जानते हैं, ऑप्टिक्स हमारा फिजिक्स टर्म टू का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है हमारे टर्म टू सिलेबस के लिए, आईएससी के लिए। तो आज इसका जो, वैसे तो मैं कलेक्टिवली पूरा चैप्टर वन शॉट में आपको एडवाइस प्रोवाइड करूँगी थोड़े टाइम के बाद। अभी मैं छोटे छोटे इसके जो डेरिवेशन है सारे उसका सेपरेट सेपरेट वीडियो बना दे रही हूँ, क्योंकि वन शॉट में सारे डेरिवेशन डिटेल में कवर हो नहीं पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक लेंस बना लिया है, ये हम यहाँ से एक रे डालते हैं इसमें। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये आई डैश है। देखिए, ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ये हमारा जो है रिफ्लेक्ट होके इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ बनी। ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह, इधर वाला कॉन्वेक्स लेंस है, इधर वाला जो है हमारा कॉन्केव लेंस है। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट इधर रखा है, ये इधर जाके रिफ्लेक्ट होकर इधर कुछ इसकी इमेज बनी, ये हमारा किसके लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए। फिर ये जो इमेज बनी ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा किसके लिए, कॉन्केव लेंस के लिए। और इसकी इमेज क्या बनेगी, यहाँ पे बनेगी, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे। हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस के लिए नॉर्मल, एंड ये हमारा है कॉन्केव लेंस के लिए हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। इस पॉइंट को हम लोग एन मान लेते हैं, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा, इसको हम लोग वी डैश मान लेते हैं, ये हमारा यू हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा वी हो जाएगा, एंड ये हमारा जो है आर वन, ये हमारा आर टू। अब देखिए यहाँ पे, अभी मैंने आप लोगों को ना इस रिफ्लेक्शन कॉन्केव लेंस का और कॉन्वेक्स लेंस का सेपरेटली जो रिफ्लेक्शन फॉर्मूला है वो मैंने आप लोगों को बताया था अभी पहले के वीडियो में, वो आप लोग देख लीजिए। बस यहाँ पे किया गया है, दोनों लेंस के जो डायग्राम है वो दोनों डायग्राम को एक साथ मिला के बना दिया गया। ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे इसकी इमेज बनी, ये सेम थिंग कॉन्वेक्स लेंस में हुआ था, फिर इसका एक नॉर्मल बना था इस तरीके से, हमने यहाँ पे अल्फा बीटा एंड इस एंगल को गामा माना हुआ था, ये था हमारा कॉन्वेक्स लेंस का इमेज। देन हमने कॉन्केव लेंस का इमेज बना रखा था, ये इमेज था, एक रे गया ऐसे डाइवर्ज हो गया, देन उसको हम एक रे गया है डाइवर्ज हो गया, उसको बैकवर्ड ऐसे ऐसे करके हमने बनाया था इस तरीके से, यहाँ से सपोज कीजिए एक रे गया ऐसे डाइवर्ज हो गया, देन हम लोग ने यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करके बैकवर्ड करके यहाँ कहीं बनाया था इमेज उसका, एंड इनिशियली उसका जो रे था वो इधर कहीं, ये इनिशियली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, यू रे डिस्टेंस हो गया, एंड हमने उस पर भी एक नॉर्मल बनाया था, ये हमारा आर आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्केव लेंस के लिए। तो हमने यहाँ पे जो कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का जो रिफ्लेक्शन डायग्राम है बस उसको कलेक्टिवली मिला के बना दिया है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तो ये है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो आई यहाँ पे बना, लेकिन ये जो ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्केव लेंस के लिए क्या है, ये जो आई है यही ऑब्जेक्ट है, इसका जो इमेज बना है वो ये बना आई डैश, यानी कि इसके लिए कॉन्केव लेंस के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो वी डैश है, एंड हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका इमेज डिस्टेंस भी जैसे। ये देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इतना भी ज्यादा नहीं कि आप लोग समझ में आए, थोड़ा सा ध्यान से फोकस रहिए, समझिए आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट है कॉन्वेक्स लेंस के लिए उसका जो इमेज है वो हमारा, वो इमेज ऑब्जेक्ट है कॉन्केव लेंस के लिए। ओके, तो डायग्राम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको लेबल मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ये सारी चीज़ें, इसको जो है हम लोग कुछ मान लेते हैं, ए बी सपोज कर लेके, और इसको एम एन एम एन मान लेते हैं, ये हमारा पी वन हो गया, ये पी टू हो गया, ये पोल है। तो अगर हम लोग देखें, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, ये इस तरीके से लिख दीजिएगा एग्जाम में, यूजिंग रिफ्लेक्टिंग फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे फॉर स्पेसिफिक लेंस, यहाँ पे डाल दीजिए कॉन्केव कॉन्वेक्स डालने की जरूरत है, क्योंकि फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एन टू अपॉन में वी माइनस एन वन अपॉन में यू इज इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन अपॉन में आर। हम लोग ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर लेंस, सबसे पहले हम लोग इधर वाले लेंस की बात करते हैं, एम पी वन एन, यानी कि ये हमारा कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, एन टू अपॉन में वी, वी क्या होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, तो इसका जो इमेज डिस्टेंस क्या है, वी डैश है। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ बन रहा है, ये इमेज बन रही है, ये हमारा इमेज डिस्टेंस कितना हो गया लेंस से, वी डैश। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी डैश माइनस एन वन अपॉन में यू, यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये दिया हुआ है यू हमारा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यू। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जो एन वन एन टू है ये रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सपोज कीजिए एन वन है, ये एन टू है, एन वन ये भी एन वन है, ये वाला जो मीडियम है ये एन टू है, तो मीडियम यहाँ पे चेंज हो जा रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे एन वन एन टू चेंज हो जाएगा, तो ये एन टू की जगह एन वन आ जाएगा, एन वन की जगह एन टू आ जाएगा, बस इतना से याद रखना है, एन वन की जगह एन टू है, एन टू की जगह एन वन है, एंड बाकी वी हमारा जैसे कि इमेज डिस्टेंस है, तो इसका इमेज डिस्टेंस देख लीजिए कॉन्वेक्स लेंस का, ये हमारा दे रखा है वी डैश, तो हमने वी डैश लिख दिया, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है तो यू लिख दिया, सेम थिंग वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है, एंड यहाँ पे भी वही चीज़ करनी, यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है, एन वन माइनस एन टू, और आर को हम लोग यहाँ पे आर वन मान लेते हैं, इसका जो कॉन्वेक्स लेंस का जो डिस्टेंस है वो हमारा आर वन आ जाएगा, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। फिर हमें सेम थिंग क्या करनी है, फॉर लेंस एम पी टू एन, यानी कि ये हमारा कौन सा लेंस हो गया, कॉन्केव लेंस, ये है एम पी टू एन कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस के केस में क्या है हमारा, एन वन अपॉन में वी डैश, वी डैश वी यहाँ पे क्या है, वी यानी कि इमेज डिस्टेंस, इसकी इमेज स्टडी कहाँ बन रही है, ये बन रही है, इसकी इमेज डिस्टेंस कितनी है वी, ओके। देन माइनस माइनस यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसमें अच्छा ये वाला चीज़ सेम रहेगा, इसमें वही चीज़ सेम रहेगा, इनटू इनटू है तो इनटू इनटू रहेगा, यहाँ पे एन वन माइनस इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे यू है और यू वाला ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, वी डैश। फिर यहाँ पे वही चीज़ जो एन टू माइनस एन वन अपॉन में आर टू, यहाँ पे भी सेम रहेगा, मैंने गलत लिख दिया, एन टू एन वन बस इस जगह पे चेंज हो जाएगा। देखिए जहाँ पे एन टू है वहाँ पे एन वन हो जाएगा, जहाँ पे एन वन है वहाँ पे एन टू हो जाएगा, बाकी इधर का पूरा चीज़ सेम रहेगा, और ये केवल कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्केव लेंस में जैसा फॉर्मूला एक्जैक्टली वही है, बस ये वी डैश और चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ पे कॉन्केव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हमारा जो ये आई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे हमारा वी डैश हो गया है, इस वजह से मैंने यहाँ पे वी डैश लिख रखा है।
बाकी ये हमारी दो इक्वेशन होंगी कॉन्केव लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। स्फेरिकल फॉर्मुला हमने अपने यहाँ पे यूज किया हुआ है, स्फेरिकल फॉर्मुला, रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल फॉर्मुला हमने यूज कर रखा है डिफरेंट लेंसेज के लिए। ये फॉर्मुला का डेरिवेशन आप लोगों को ऑलरेडी दे चुके हो, आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा ये फॉर्मुला हमारा कैसे आया है। दोनों लेंस के लिए मैंने ये जो है फॉर्मुला ये डेरिवेशन को करके दिखाया, फॉर्मुला डिराइव करके दिखाया। ये डायग्राम जो है दोनों का जो स्फेरिकल डायग्राम है, लेंस कॉन्केव लेंस और कॉन्केव लेंस का रिफ्लेक्टिंग डायग्राम, ये उन दोनों का डायग्राम को कंबाइन करके बनाया गया है, तो वो हमारा लेंस मेकर फॉर्मुला बना। इसमें कुछ नहीं करना है हमको, जो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू हमारी आई है इसको ऐड कर देना, ऐड वन एंड टू। तो आप लोग देखिए आपको क्या मिलेगा, एन वन अपॉन में वी डैश माइनस एन टू अपॉन में वी इज इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन अपॉन में आर वन, और इधर एन टू अपॉन में वी माइनस एन वन अपॉन में वी डैश इज इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन अपॉन में आर टू। अब आप लोग देख रहे होंगे एन वन वी डैश, एन वन अपॉन में वी डैश इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, क्या होगा कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा एन टू अपॉन में वी माइनस एन टू अपॉन में यू। ये यहाँ पे मैंने यू है समझ के रखिएगा आप लोग, ये यू है, यहाँ पे भी यू ही है, ये यू है, इधर एन टू माइनस एन वन को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा दोनों में से वन अपॉन में आर वन प्लस टू माइनस एन वन को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो वन अपॉन में आर वन प्लस वन अपॉन में आर टू। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं एन टू, एन टू देखिए सेम आ रहा है, एन टू को कॉमन लेते हैं तो वन अपॉन में वी माइनस वन अपॉन में यू इज इक्वल्स टू, इधर एन टू कॉमन लेते तो वन माइनस एन वन अपॉन में एन टू, और ये वन अपॉन में आर वन प्लस वन अपॉन में आर टू, एन टू एन टू दोनों तरफ से कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा वन अपॉन में वी माइनस वन अपॉन में यू। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एन टू माइनस एन वन अपॉन में एन टू अपॉन इधर एन टू बचेगा यहाँ पे, अगर देखें तो इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आर वन प्लस आर टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एन माइनस वन इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे वन अपॉन में आर वन प्लस वन अपॉन में आर टू एंड इधर वन अपॉन में वी माइनस वन अपॉन में यू। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आया है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब मैंने आप लोग को थिन लेंस फॉर्मूला बताया था डेरिवेशन थिन लेंस फॉर्मूला का, तो अगर आप लोग देखें तो वन अपॉन में वी माइनस वन अपॉन में यू, इसको हम लोग वन अपॉन में एफ लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करें, यहाँ स्पेस नहीं बचा मैं इधर लिख दे रही हूँ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं वन अपॉन में एफ इज इक्वल्स टू एन माइनस वन वन अपॉन में आर वन प्लस वन अपॉन में आर टू। ये था हमारा फाइनल फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला। इसको वैसे लेंस मेकर फॉर्मूला यही है, इसको अगर आप लोग और सिंप्लीफाई करें तो वन ये थिन लेंस फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ पे तो आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा अज्यूमिंग यूजिंग थिन लेंस फॉर्मूला विच इज इक्वल टू थिन लेंस फॉर्मूला को मेंशन करना पड़ेगा, देन आपको ये चीज़ लिखनी। तो ये था हमारा कंप्लीट डेरिवेशन लेंस मेकर फॉर्मूला का, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये डेरिवेशन डायग्राम में। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अगर आप लोगों को कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग वाला डेरिवेशन आता है रिफ्लेक्टिंग सर्फेस वाला, तो आप ये डेरिवेशन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिर्फ कॉम्बिनेशन दोनों को कंबाइन करके ही लिख दिया गया है। तो आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आया, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स शेयर कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, स्कोर वेरी गुड एंड प्रिपेयर वेरी वेल। थैंक यू, बाय बाय।